नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फनी सिटी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं हम क्रिया का हाथ पढ़ चुके थे, आगे हमें कंटिन्यू करना है क्रिया के भेद। क्या पढ़ना है? क्रिया के भेद देखते हैं हम, बहुत अच्छे से सीखते हैं आज, क्योंकि क्रिया से बहुत कंफ्यूजन रहती है। कह रहा है क्रिया के भेद, क्रम के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रम के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं, दे देगा 2, 4, 6 ऐसे। और रचना की दृष्टि से अगर पूछेगा तो भी दो भेद होते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कह रहा है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया पर या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कह रहा है जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कह रहा राम आम खाता है, अब इसमें देखो आम कौन खाता है? राम खाता है ना। या जो देखो राम का जो है, अर्थात हमारी जो क्रिया है खाना, वो किस पे डिपेंड है? वो हमारी किस पर डिपेंड है? कर्म पर, अर्थात आम। इसमें कर्म हमारा क्या हो जाएगा? आम। जैसे यहाँ पर क्रिया किस पे डिपेंड है? कर्म पर डिपेंड है, तो वो क्या हो जाएगा? आम खाता है। जैसे क्या खाता है पूछेंगे? आम खाता है। अगर आंसर आ रहा है क्या, क्या क्वेश्चन करने से अगर कोई आंसर इस पर आ रहा है, तो हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। फिर कह रहा है अब अगला, कह रहा अकर्मक क्रिया। क्या कह रहा है? अकर्मक क्रिया। कह रहा अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, तथा उसका फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। अर्थात इसमें क्या क्वेश्चन हम करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। अर्थात जैसे सीता रोती है, अब क्वेश्चन हम करेंगे सीता क्या रोती है, कोई आंसर आएगा? नहीं आएगा ना। तो क्या होगा, इसमें क्रिया का फल सीधे सीधे किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। फिर कह रहा क्रिया के कुछ अन्य भेद, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। नंबर एक पर है सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके या प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है, और यह समय को भी बताती है। जैसे कह रहा मैं घर जाता हूँ, तो इसमें मैं तो हमारा क्या हो गया? हमारा इसमें मैं कर्ता हो गया। कर्म घर क्या हो जाएगा? इसमें कर्म हो जाएगा। जाता क्या हो जाएगा? मुख्य क्रिया हो जाएगा। और हूँ हमारी क्या हो जाएगी? सहायक क्रिया। अब अगर इसमें कह दिया जाए मैं घर जाता, तो वाक्य क्या है? थोड़ा अपूर्ण है ना। अगर कह दिया जाए हूँ मैं घर जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। जैसे वह स्कूल जा, अब सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, लेकिन सहायक क्रिया रहा है जुड़ने से, क्या हो जाएगा? वह स्कूल जा रहा है हमारा पूर्ण अर्थ प्रदान करेगा। फिर नंबर टू पर आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके, क्या होगा? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया। अब इसमें देखो दो क्रिया है ना, एक भोजन करना और एक सोना। क्या है? एक भोजन करना, एक सोना। अर्थात अब भोजन करके, मतलब भोजन कर चुका, फिर क्या हो गया? सो गया। दो क्रियाएं हैं, लेकिन जो पहले पूर्ण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। फिर कह रहा है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया क्या है? कह रहा है संज्ञा अथवा विशेषण से क्रिया जोड़ने के नाम को बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। संज्ञा अथवा विशेषण से, जैसे कह रहा है लाठी, अब लाठी हमारा क्या है? संज्ञा। और इसके साथ में अगर क्या जुड़ गया? मारना जुड़ गया, तो ये नाम बोधक क्रिया हो गया। जूता फेंकना, अब जूता फेंकना क्रिया है ना। पीला पड़ना, मूर्ख होना, ये विशेषण से हो गए, ये संज्ञा से हो गए, तो अब हमारे क्या हो गए? नाम बोधक क्रिया। फिर कह रहा है विकर्मक क्रिया।
क्या कह रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है द्विकर्म क्रिया से, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको। कह रहा है जिन क्रिया के दो कर्म होते हैं, क्या होते हैं, दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्म क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया हमारा, फिर छात्र क्या हो गया, कर्म हो गया, और हिंदी क्या हो गया, भी कर्म हो गया, पढ़ाई हो गया हमारा क्रिया। अब देखो दो कर्म आ गए ना, एक छात्र और एक हिंदी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी क्या हो जाएगी, द्विकर्म क्रिया कहलाएगी ना। फिर संयुक्त क्रिया, जिसे संयुक्त क्रिया कह रहा है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह कूद पड़ा, अब देखो कूद अलग है और पढ़ना अलग है, तो कूद क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, और पढ़ा, तो दोनों संयुक्त रूप से क्या कहलाएंगी, संयुक्त क्रिया कहलाएंगी। फिर कह रहा क्रियार्थक संज्ञा क्या है, ये बहुत पूछा जाता है, क्रियार्थक संज्ञा जो क्रिया के द्वारा संज्ञा भी हो और क्रिया कहलाती हो, मतलब क्रिया हमारी है और संज्ञा भी हो। तो कह रहा है जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे हम क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्पिटेटिव एग्जाम वाले लगा लीजिए। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, क्या है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, तो टहलना देखो इसमें क्या है हमारा, टहलना क्रियार्थक संज्ञा है ना, संज्ञा के रूप में प्रयोग हुई है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रियार्थक संज्ञा। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे वाच, क्या पढ़ेंगे, वाच। कंपिटेटिव एग्जाम में वाच को लेकर के बहुत क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव होता है, ऐसे इसमें हमारा क्या होता है, वाच कहलाता है। लेकिन हिंदी में वाच तीन प्रकार के होते हैं, उनको हम अगली वीडियोज में सीखेंगे। बाकी आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कोई डाउट हो अगर आपको, या कोई आपको कोई और क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी उसको हल करने में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये डाटा पहुंच पाए, सारी चीज़ें सब टीचर नहीं बताते ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसे नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में दिखाई देने वाला है, क्वेश्चन क्रिया से आती है और इसमें भी आएगा, अगली परीक्षा जो आपकी होगी उसमें अगर ये जो मैंने पढ़ाया है आज की वीडियो, अगर इसमें से क्वेश्चन ना आए तो फिर हमें तब भी कमेंट करिएगा कि सर आपने पढ़ाया था और नहीं आया, ताकि आप लोगों को आगामी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।